नमस्कार दोस्तों मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कुछ लोगों ने मेल के माध्यम से सोशल मीडिया पर मुझे टैग किया और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे काजल हिंदुस्तानी के मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए बहुत से लोग इस पर जानते नहीं हैं बहुत से लोग जानते भी हैं और आप सब लोगों को पता है होगा कि कल काजल हिंदुस्तानी जो एक क्या कहना चाहिए कि गुजरात में एक राइट विंग की एक्टिविस्ट है उनको कल सुबह गिरफ्तार किया गया गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया गया उन पर आरोप है कि राम नवमी के दिन काजल हिंदुस्तानी ने नफरत भरी बातें कही थी और उसकी वजह से ऊना शहर में एक अप्रैल को दंगे हुए थे पुलिस का कहना है कि रविवार की सुबह काजल हिंदुस्तानी ने ऊना में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है काजल हिंदुस्तानी अपने ट्विटर बायो पर मैंने जो उनको देखा उसमें वो खुद को रिसर्च एनालिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और नेशनलिस्ट बताती हैं बानवे हजार फॉलोअर्स हैं उनके जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं जो उनको फॉलो करते हैं जी हाँ और विश्व हिंदू परिषद के कई इवेंट्स में भी वो नजर आती रही हैं दो अप्रैल को काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ धारा दो सौ ए के तहत केस दर्ज किया गया था और आरोप है कि 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया क्या था और इसी तनाव दो दिन तक रहा एक अप्रैल को दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हुई स्टोन पेल्टिंग हुई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और हिंसा फैलाने को लेकर 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था इनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से कहा जा रहा है कि काजल हिंदुस्तानी ने अपनी स्पीच के दौरान लव जिहाद समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी और इसी वजह से बवाल हुआ था ये सारा बवाल लगातार चल रहा है अभी भी इसे लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसे लेकर जो एक्शन लिया गया है कि उस एक्शन में कितना दम है इनके खिलाफ क्या मामले हैं दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण को लेकर लुपुर शर्मा से भी इनकी तुलना की जाने लगी है और बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि देखिए गुजरात में एक राइट विस, राइट विंग की एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है जहां पर बीजेपी की सरकार है और आज से नहीं बरसों बरस से दशकों से बीजेपी की सरकार गुजरात में चल रही है और उसके बावजूद भी एक राइट विंग की एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जाता है उनके और स्पीच के तथा मामले में तो इसका मैसेज क्या जाता है कुछ समय लगाए जा रहे थे बिल्किस बानो का मामला था रेप का और उनके परिवार के लोगों की हत्या का उस मामले में जो आरोपी थे उनको सरकार ने रिहा कराया था विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उन आरोपियों का सम्मान किया था इसे लेकर यह निशाना साधा जा रहा था कि यहाँ पर देखिए बीजेपी और जो आरएसएस हैं है और जो हिंदूवादी संगठन है गुजरात में वो सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना रहे हैं और इसका सांप्रदायिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसे ही मौके पर इस काजल हिंदुस्तानी की गिरफ्तारी बहुत बड़े सवाल तो खड़े करती ही है कि क्या बीजेपी की सरकार अपने आप को यहाँ पर निष्पक्ष दिखाना चाहती है काजल हिंदुस्तानी का असली नाम काजल सिंगला है और ऊना में जो भगवान राम की शोभा यात्रा तीस जो निकली थी जिसमें बात कहा जा रहा है कि हंगामा हुआ था उसमें तीस हजार से दो ज्यादा लोग शामिल हुए थे और जुलूस के बाद त्रिकोण बाग के पास रावणवाड़ी में धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था और इसमें काजल हिंदुस्तानी ने भाषण दिया था उन्होंने लव जिहाद लैंड जिहाद कई मुद्दों पर सर तन से जुदा के नारे इन सब बातों पर बातें कही थी और यह बताया जाता है कि उनके इस भाषण को उग्र माना गया था और संतन से जुदा का जो नारा था उसे लगाते हुए कुछ मुस्लिम युवक सड़कों पर उतर आए थे गुजरात की की स्थानीय मीडिया ने काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तारी की, की खबर भी प्रकाशित की है और उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में भेजा गया जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ऊना में इसी मुद्दे पर एक कारोबारी और उसके कर्मचारियों के बीच बहस भी हो गई थी जिसके बाद सड़क पर उतरे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस घटना के विरोध स्वरूप स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ऊना बंद भी बुलाया था मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भी रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी और इसके बाद सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद हनुमान जन्मोत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था इस समय खबरें यही है कि काजल हिंदुस्तानी को अरेस्ट किया गया है और लोगों ने कहा है कि इस देश में केवल जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं या जो हिंदूवादी हैं उस उनको उन सब लोगों को ही शक्ति की जा रही है नूपुर शर्मा पर शक्ति हुई है लेकिन जुबैर जैसे लोग जमानत पाकर खुला घूम रहे हैं इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं ये मामला उसी तरीके से तूल पकड़ने वाला है जिस तरीके से नूपुर शर्मा का या अभी हाल ही में बिहार के एक यूट्यूबर मनीष कश्यप का, का जो मामला था उसने तूल पकड़ी थी इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी और काजल हिंदुस्तानी का जो ये मामला हुआ इस पर जो भी अपडेट्स होंगी उस अपडेट्स को मैं आपके सामने लाता रहूंगा देखते हैं इसमें क्या होता है और किस तरीके से गुजरात सरकार रिस्पोंड करती है इसमें बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी है क्योंकि उन्हें हिंदूवादी जो संगठन है उनके दबाव का भी सामना करना पड़ेगा और हो सकता है इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जाए इस मामले को हम लगातार कैरी करते रहेंगे इस पर वीडियो बनाते रहेंगे आप सब लोगों से निवेदन है कि आप भी अपना फीडबैक जरूर दें और हमें उपलब्ध कराएं सूचना अगर आपको कोई सूचना इस बारे में मिलती है तो आप मेरी ईमेल के माध्यम से मुझे कर सकते हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं वो भी मुझसे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं तो आपसे फिर मुलाकात होगी इस मुद्दे पर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें